दोस्तों चलिए आज बनाते हैं मुंह में घुल जाने वाली ये बर्फी। बनाना बहुत ही आसान है, 10 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। ना गैस जलाने का झंझट और ना ही चाशनी बनाने का, बहुत ही इजी तरीका शेयर किया है मैंने। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो संध्या जी के किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए भुना हुआ चना है, इसका छिलका उतार देंगे और इसको पीस लेंगे। थोड़े से काजू और बादाम लिए हैं मैंने और 3 इलायची लिए हैं, इसको भी पीस लेंगे। अब एक बड़ा बाउल लेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे पीसे हुए चने को। ये देखिए पीस के इसको हमने छान लिया है। अब इसमें डालेंगे हम 1 कटोरी नारियल का बुरादा। अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो नारियल को घिस के भी डाल सकते हैं उसके छिलके उतार के। 1 कटोरी डालेंगे इसमें हम मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से बिल्कुल खोए वाला टेस्ट आएगा, तो चलिए इसको डाल देते हैं। इसके बाद डालेंगे हम काजू बादाम और इलायची को जो पीस के रखे हैं। इसमें डालेंगे 1 कटोरी पीसी हुई चीनी। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आज हम चाशनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दोस्तों आपको पता है कि त्यौहार के समय मिठाइयों में कितनी मिलावट होती है, तो इस तरीका से बिल्कुल बजट में आप घर में बना के और अपने परिवार को खिला सकते हैं। थोड़ा सा टूटी फ्रूटी डालूंगी मैं, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसको एकदम आटे की तरह गूंथ लेंगे हम, बिल्कुल टाइट लगाएंगे, क्योंकि जब हम इसमें दूध डालेंगे तो चीनी पिघलने लगेगा। अगर ढीला कर देंगे तो वो बिल्कुल नरम पड़ जाएगा। तो एक फॉल पेपर लेंगे जिसमें हम रोटी पैक करते हैं। अब इस पे हम इसको एक शेप देंगे। आप चाहे तो गोल भी रख सकते हैं, चाकोन भी बना सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल ट्रेंगल बना रही हूँ, त्रिकोण बना रही हूँ। तो चलिए इसको एक अच्छा सा शेप दे देते हैं पहले। ये देखिए अब इसको हम अच्छे से फॉल पेपर में लपेट लेंगे और इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये ठंडा भी हो जाए और थोड़ा अच्छे से सेट हो जाए। 1 घंटा हो गया है, देखिए कितना बढ़िया टाइट हो गया है, सेट हो गया है। इसको हम निकाल लेते हैं और बीच से कट करेंगे और इसको आधे आधे इंच पे हम पीसेस में कट कर लेते हैं। कट करने से ही आपको पता चल रहा होगा कि बर्फ़ी हमारी कितनी बढ़िया बनी है, देखने में भी सुंदर लग रहा है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो बिल्कुल बजट में है, आप इस तरह से मिठाई पे त्योहारों का आनंद ले सकते हैं, बना के बच्चों को, परिवार को, अपने गेस्ट को खिला सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नरम है, तो मन चाहे जैसे आप इसको सर्व कर सकते हैं। देखिए देखने में बहुत सुंदर है और बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।